हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की एक फेमस रेसिपी पात्रा। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आज मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। तो यदि आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पात्रा। पात्रा बनाने के लिए मैंने लिया है पात्रा का पान, इसे अरबी का पत्ता भी कहते हैं। फिर मैंने लिया है 1.5 कप बेसन, 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच लिया है इमली का पल्प, 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, आधी कटोरी लिया है मैंने गुड़ का पानी, 2 चम्मच तिल, 1 चम्मच राई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद के अनुसार और 1 पिंच हींग। पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। मैंने बेसन को एक बाउल में डाल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मैं इसमें थोड़ी तेल डाल रही हूँ, थोड़ी मैं तड़के के लिए बचाऊंगी। और इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे सूखे मसाले बेसन के अंदर अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ का पानी, यदि आपके पास गुड़ ना हो तो आप शक्कर का भी यूज कर सकते हैं। फिर डाल देंगे इमली का पल्प, फिर डाल देंगे लास्ट में इसमें अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार करेंगे। पात्रा बनाने के लिए घोल ना तो ज्यादा गाढ़ा चाहिए और ना ही ज्यादा पतला। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। मैंने ये घोल तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह का घोल हमें चाहिए पात्रा पर लगाने के लिए। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हम पात्रा के पान को साफ करेंगे। तो इस तरह से इसकी जो मोटी डंठल है इसे हम काट लेंगे। इस तरह से ये हिस्सा निकाल देंगे हम और बिल्कुल चाकू की धार से ये जो इसके ऊपर का हिस्सा है इसे हम इस तरह से निकाल देंगे ताकि जो इसके अंदर की खराशपन हो वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह से, जहाँ भी मोटी लेयर दिखती है आपको इस तरह से निकालना है इसे। ये देखिए इस तरह से इसकी ये पतली पतली ऊपर की ये जो लगी हुई है इसे निकाल देंगे हम डंठल को, जिससे कि पात्रे हमें कड़वे नहीं लगेंगे। और इसके बाद हम इसे धो करके अच्छे से सुखा लेंगे और इसी तरह से हम सारे पात्रा को साफ कर लेंगे। मैंने पात्रा के पान को अच्छे से धो लिया है और इसे सुखा लिया है कपड़े की सहायता से। तो इसे अब हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो हमने मिश्रण बनाया था, बेसन का घोल तैयार किया था, वो इसके ऊपर इस तरह से पूरे पत्ते पे हम लगा देंगे, पूरी सरफेस पे फैला देंगे इस तरह से। देखिए मैंने पूरा मिश्रण इस तरह से पान पे लगा दिया है। तो अब हम दूसरा पत्रा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से अपोजिट साइड रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर वापस से हम ये बैटर लगा देंगे अच्छी तरह से, जैसा हमने पहले वाले पे लगाया था। मैंने दूसरे पान पे भी इस तरह से मिश्रण लगाकर फैला दिया है। तो अब वापस से हम तीसरा पान रखेंगे, इसे हम वैसा ही रखेंगे जैसा हमने पहले रखा था इस तरह से। मैं यहाँ 4 पत्ते लगाकर ये पात्रा बना रही हूँ, आप चाहें तो 2 लगाकर भी बना सकते हैं। अब वापस इसके ऊपर मिश्रण लगा देंगे। अब मैं लास्ट इसमें 4th पत्ता लगा रही हूँ, इसे भी मैं अपोजिट साइड में रखूंगी जैसा मैंने दूसरा नंबर का पत्ता रखा था इस तरह से, और वापस से इस पर मिश्रण लगा दूंगी। मैंने लास्ट वाले पत्ते पे भी अच्छे से मिश्रण लगा दिया है, आप देख सकते हो। अब हम इन्हें फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हम इस साइड से पहले इस तरह से उठाएंगे, इस तरह कर देंगे, और इस साइड से भी इस तरह से उठा के हम इससे कर देंगे।
और इसे बीच में से इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे और रोल करने के बाद इस पे भी मिश्रण लगाते जाइए थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये वापस इस पे थोड़ा सा मिश्रण लगाइए और लास्ट में लाके इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। आप चाहें तो इसे धागे से बांध भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, अब हम इस तरह से सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो इसे अब हम भाप में पकाएंगे। यदि आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में इसे पका लीजिए, लेकिन यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ इन्हें पकाने का। इस तरह से आप एक तपेली में 2 गिलास पानी डालकर इसे बॉईल होने दीजिए। पानी बॉईल हो गया है, अब आप इस तरह से आपके पास कोई सी छलनी हो इस तरह की, तो वो आप इसके ऊपर रख दीजिए इस तरह से। अब जो हमने पात्रा का रोल बनाए हैं वो इसके ऊपर हम रख देंगे एक-एक करके। उसके बाद इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे, भाप में पकने देंगे हम इसे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और पात्रा भी अच्छी तरह से पक गया है, तो हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है, इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। पात्रा अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से लेंगे और चाकू की सहायता से 1-1 इंच के व्यास में हम काट लेंगे इन्हें। इस तरह से इसी तरह से हम सभी पात्र काटकर तैयार कर लेंगे। मैंने सारे पात्र काट कर रख लिए हैं, तो अब हम इनके लिए तड़का तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे सरसों के दाने यानी कि राई और इसे चटकने देंगे। साथ ही में डाल देंगे हींग, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे इसमें हम तिल, तिल भी अच्छे से चटक गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पात्रा। एक एक करके हम इसके अंदर पात्रा डालते जाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से कढ़ाई को उठा के इस तरह से करते जाएंगे। पात्रा बनकर तैयार है, गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। कितना बढ़िया पात्रा बनकर तैयार हुआ है, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप एक बार इस तरह से पात्रा बनाकर जरूर खाएं और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।